राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 3 और 4 नंबर कान्हा जी की समर स्पेशल ड्रेस और डिजाइनर ड्रेस। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाना काफी इजी है। ये फ्रेंड्स देखते हैं इस ड्रेस को किस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 3 और 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस। उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह का रेड कलर का फैब्रिक लिया है। ये हमारा रेड कलर का फैब्रिक मैंने लिया है 3 और 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए। आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, तो मैंने ये बच्चों वाला प्रिंट लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से, अब आप इसका मैं आपको नाप बताती हूँ। नाप हम लेंगे इसका, ये देखिए फ्रेंड्स 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो हम 30 इंच रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम नाप ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 30 इंच इसकी लंबाई है और 3.5 इंच की चौड़ाई है। अब हम इसको क्या करना है, हम देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये फैब्रिक ले लिया है। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो 3.5 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 30 इंच रखी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह की पाइपिंग लेंगे बनी बनाई। आप ऐसी ले सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, या हम बनी बनाई लेंगे। इस तरह से इस पाइपिंग को रखेंगे और यहाँ पे अब हम इस पर स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पर हम स्टिच कर देंगे। हमें इस तरह से सीधा ही स्टिच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरह से हमने पाइपिंग लगा ली है। अब इसको इस तरह से हम सीधा करेंगे और यहाँ पे इस तरह से ऊपर स्टिच लगाएंगे, जिससे कि ये पाइपिंग हमारी फिनिशिंग से दिखे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टिच लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पाइपिंग के ऊपर स्टिच लगा लिया। इस तरह से हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पर हम प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से हमें ये प्लेट्स बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, फैब्रिक को उठाना है, पास में रखना है और इस तरह से हम प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारी प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरह से मैंने ये प्लेट्स बना ली हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये प्लेट्स बन गई हैं। अब हम इस तरह का एक फैब्रिक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें 1 इंच चौड़ाई और 7 इंच इसकी लंबाई चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम ये जो हमारी प्लेट्स हैं इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, उल्टा फैब्रिक रखेंगे और हम इस पर स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा कपड़ा अटैच हो गया। अब हम इसके अंदर डोरी फिल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डोरी किस तरह से फिल करनी है, हमें इस तरह से इसको डोरी को फिल करना है और यहाँ पे नीचे की तरफ इसको दबाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ऊपर से इसके स्टिच लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डोरी हमने फिल कर दी है। अब हम डोरी के ऊपर लटकन लगाएंगे दोनों तरफ। किस तरह से हम लटकन लगाते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक फैब्रिक लेंगे 3x3 का ही, सेम ड्रेस के फैब्रिक का। इसको इस तरह से सेम शेप में रखते हुए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पे डोरी को रखेंगे और यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे इस तरह से ऐसे रखते हुए स्टिच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, फैब्रिक 3x3 का हमने लिया है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, डोरी को इसके बीच में इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमारा फैब्रिक है इसको इसके बराबर फिर से रखेंगे और ये जो फैब्रिक है हमारा, यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम बीच में स्टिच लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने लटकन लगा दी है। इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारी ये ड्रेस पे लटकन लग गई है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी बना लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया था डोरी पे लटकन लगाना, सेम उसी तरह हमने लगा दिया है। और ये हमारी स्कर्ट रेडी हो गई है। हम ऊपर का बनाते हैं, हम किस तरह से बनाएंगे इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमें अब एक फैब्रिक लेंगे। मैंने एक सेम इसी तरह का एक फैब्रिक लिया है। इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने 5.5 ली है, और जो इसकी चौड़ाई है ये देखिए फ्रेंड्स, जो इसकी चौड़ाई है वो 3 इंच ले ली है। 3 इंच लेने के बाद हमें देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरह से बराबर रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बराबर रख दिया हमने। अब हम इस पर स्टिच करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर स्टिच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टिच लगाने के बाद हम पाइपिंग लेंगे। ये दोनों तरफ हमें ये पाइपिंग लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ हमने इस तरह से पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से रखें फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको वाइट दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर पाइपिंग के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे दोनों तरफ से। मैं आपको ये रेडी करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने स्कर्ट बनाई है, अब हम स्कर्ट के इस तरफ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्कर्ट को रखना है और नीचे की तरफ इस तरह से रखते हुए इस पर स्टिच कर देना है और ज्वाइन करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने ये अटैच कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर की चोली बनाएंगे। हमारा स्कर्ट है, ये हमारी नैपी है कान्हा जी की। अब हम इसके ऊपर की चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का मैंने एक फैब्रिक कट किया है, सेम ही प्रिंट का मैंने फैब्रिक कट किया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच रखी है, और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 14 इंचेस रखी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इस फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने स्टिच लगा दिया है। अब हम इस पर प्लेट्स बनाएंगे जैसे हमने स्कर्ट्स पे बनाई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फैब्रिक को उठाना है और इस तरह से प्लेट्स बनानी है। और प्लेट्स बनाएंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा ये जो हमने 14x2 का फैब्रिक लिया है, इसी तरह से हम सारी प्लेट्स बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये प्लेट्स बना लिए। मैंने जैसे कहा था, अब इस तरह का हम एक छोटा फैब्रिक लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इधर भी हमें वैसे ही डोरी लगानी है, तो हम इस फैब्रिक को ये देखिए यहाँ पे उल्टा करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये कपड़ा अटैच कर दिया है। अब हम देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें डोरी पिरोएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, सेम चोली की तरह इस तरह से यहाँ पे हम इसको उल्टा करते हुए रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अब ये डोरी अटैच कर दी है। अब इन दोनों डोरियों के ऊपर लटकन लगाएंगे जैसे कि हमने ये स्कर्ट पे लगाए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। आई फ्रेंड्स, मैं आपको लगाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ ये लटकन लगा दी हैं चोली के ऊपर। अब हम इस चोली को भी अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से अटैच करेंगे। ये हमारी इस तरह आएगी और ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से आएगा। ये देखिए, स्कर्ट इस तरह से उल्टी और चोली इस तरह से सीधी। इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये चोली और स्कर्ट दोनों रेडी हो गए हैं। साथ में हमने नैपी भी अटैच किया। मैं अब मेरे कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ किस तरह से हमारे कान्हा जी पे ये चोली लगती है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये चोली, नीचे स्कर्ट और ये बीच में नैपी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको अपने कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ ड्रेस को किस तरह से पहनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 3 नंबर कान्हा जी हैं। आप ये ड्रेस 3 और 4 दोनों नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कान्हा जी की चोली है इसको हम टाइट करेंगे इस तरह से, और देखिए फ्रेंड्स कान्हा जी के गले में डालेंगे इस तरह से, हमें डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम डोरी को निकालते हुए इसको टाइट कर देंगे। ये हमारे कान्हा जी की चोली बन गई। अब इस जो नैपी है इसको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर हमने निकाला। अब हम इसको, ये जो पीछे डोरी है इसको यहाँ पे, स्कर्ट की डोरी है इसको यहाँ पे नीचे की तरफ बंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इसे बंद कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कान्हा जी की चोली, नीचे स्कर्ट, ये देखिए फ्रेंड्स लटकन की भी कितने ही प्यारे लग रहे हैं। ये मैंने अपने कान्हा जी को आपको ड्रेस पहनाना भी बता दिया। देखिए फ्रेंड्स, कितनी ही प्यारी लग रही है हमारे कान्हा जी की ये ड्रेस। देखिए फ्रेंड्स, नीचे स्कर्ट का घेरा भी काफ़ी ही बड़ा है। अगर आपको मेरी कान्हा जी की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे कान्हा जी को लाइक कीजिए, कान्हा जी की ड्रेस को लाइक कीजिए, और इस वीडियो, कान्हा जी की इस ड्रेस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।